सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं 6 PM के और मैं आया था नोएडा पढ़ाने के लिए। बैच 4:30 पहुंचा था, तो 1.5 घंटे बच्चों को पढ़ाया है और अब वापस जा रहा हूं घर को। तो सोचा कि अब जो है व्लॉग को स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो दिन का रूटीन कुछ ये रहा कि उठाता मैं 11 बजे, फिर एक बैच था 11 से 12, वो हो नहीं पाया। तो अब सीधा मतलब आज एक ही बैच हुआ, संडे था तो थोड़ा रेस्ट भी कराए। तो 3:30 करीब मैं घर से निकल गया था, बट टाइम थोड़ा कम था इसलिए मतलब बीच में रिकॉर्ड मैंने किया नहीं। और अब जाके जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सोचा कि और उस समय रिकॉर्ड कर लेता तो मतलब लेट रहता आने में। और होता क्या है कि मेरे घर से यहाँ तक का जो रास्ता है वो 1 घंटे का है। सो मुझे लगा कि यार टाइम पर पहुँच जाऊँगा तो ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं टाइम पर निकल गया था। सो अब जाके मतलब पूरा बैच खत्म हुआ, टाइम पर आया, टाइम पर निकला हूँ, सो अच्छा लग रहा है। मतलब ये होता ना कि अगर जैसा कोई काम कर रहे हैं, उस काम को अगर काम हो जाए थोड़ा रिलीफ होके माइंड मतलब होता है, तो फिर थोड़ा रिकॉर्ड करने में अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मेरा होता है कि हमेशा काम को पहले कर लूँ, निपटा लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँ। जैसे अब क्या है, घर जाना है और 8 बजे से हमको लाइव भी आना है, तो 2 घंटे में तो आराम से पहुँच जाएंगे, 1.5 घंटा करीब लगता है बजाने में यहाँ से। तो बस कुछ देर में यहाँ सोच रहा था रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एटलीस्ट व्लॉग को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे क्या होता है ना कि पूरा घर में शूट नहीं होता, बस अगर घर में पूरा शूट करूँ तो वो मज़ा नहीं आता। मतलब मेरे लिए तो मुझे तो मज़ा आता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो बस चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ वो इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको दिखाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर शूट करना स्टार्ट करता हूँ। और मैंने देखा भी, जब से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी है कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ का रिकॉर्ड करना, तो आप उसको इन्जॉय भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। सो घर से पानी लाए थे, पानी मैंने पिया नहीं, तो अब जा रहे हैं इसका हूँ पानी पी लेता हूँ। और जो कल की हमने वीडियो बनाई थी वो भी थी पानी के ऊपर ही। मतलब इतनी गर्मी होती है ना, तो गर्मी में पानी बहुत ज़रूरी है। वैसे अभी शाम वैसे आज ना इतना धूप था नहीं है, मैं जैसे 4:30 में निकले आया था, 3:30 घर से निकला था, उस समय भी धूप बिल्कुल नहीं थी। तो बिल्कुल मतलब आराम से मैं आया बिना धूप के, पीछे पेट्रोल भी डलवाया था तो कुछ लगा नहीं। अभी तो काफ़ी ठंडा मौसम उल्टा हो चुका है बाहर। वैसे इस टाइम तक नॉर्मली जो है थोड़ी धूप ही रहती थी अभी गर्मी में, लेकिन आज बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल अच्छा मौसम हो रखा है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव बात ही हो रखी है, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर धूप जो चुभती है ना धूप, उससे तो भाई डर लगता है। और जैसे कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि धूप नहीं है मतलब, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। सो बस यही है, धूप ना रहे, फिर धूप भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना रहे, बट उतना काटने वाली धूप जो काटती है उससे बड़ा अजीब सा लगता है, काटने धूप होती है तो वैसा नहीं चाहिए, उसके मुकाबले तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें कम से कम क्या होता है कि धूप नहीं काटती, तो इजीली हम घर से पहुँच भी जाते हैं कहीं पर, और इजीली मतलब सारे काम भी हो जाते हैं, तो ये सब बड़ा ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं घर की तरफ, और अब जब लाइव आएंगे तो थोड़ा तब वीडियो बना लेंगे। तो घर पहुंचते हैं पहले, बिकॉज अब हो चुका है ऑफिशियल आर, वैसे संडे है आज, फिर भी ऑफिशियल आर शुरू हो चुका है, कोई कुछ ऑफिस खुले होते हैं आज भी, कुछ जाम तो पक्का मिलना ही है इस टाइम पे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा मिल जाएगा बाकी, फिर भी 8 है तो पहुँचना कैसे भी करके, और जो वीडियो उसको स्टार्ट करना है। तो चलते हैं घर को, ठीक है, लेट्स गो। तो मैंने शायद यहाँ पर ब्लॉग भी चालू कर दिया है। श्रेया सोनाली दो, अच्छा, हेलो। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे देखो लाइव आ रखा हूँ, और ये लाइव है चल रहा है, तो संडे को 8 बजे लाइव आते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि संडे जब लाइव आएंगे तो वो मैं हल्का सा फुटेज दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो विशाल सा दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मैं लाइव आ रखा हूँ। सो ठीक है, पहले लाइव सेशन खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों फाइल में घर आ गया था, उसके बाद मैंने अभी लाइव ख़त्म किया, और आपने देखा भी कैसे कैसे मैं लाइव आ रहा हूँ। सो आधे घंटे का मैंने लाइव किया है, और उसके बाद अब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो हुआ क्या कि नोएडा गए, नोएडा में एक बैच था, 2 बैच होते हैं वैसे, लेकिन आज एक ही बैच था, 1.5 घंटे का हुआ, तो वहाँ से फिर आए और जल्दी घर पहुँच गए थे, बिकॉज जो टाइम था वैसे तो 6 बजे निकला था मैं वहाँ से, तो टाइम तो वैसे ऑफिशियल आ गया, लेकिन आज संडे था तो थोड़ा मतलब भीड़ नहीं थी, तो 1 घंटे में करीब मैं पहुँच गया था, 1.25 घंटे में, और तब आके आराम से वीडियो बनाई है और लाइव आ गया हूँ। और अभी जस्ट मैंने इससे पहले 2 जो वीडियो हमारी आनी है चैनल पर वो बनाई है, तो काफ़ी सही लग रहा है। अब बस इस वीडियो को पोस्ट करना है और अपना जो काम है वो हो जाएगा। सो डेली व्लॉग बनने का फ़ायदा ये है कि अब जो है मतलब वो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, मतलब पहले के मुकाबले बहुत ही ईजिली बना लेता हूँ मैं डेली व्लॉग्स, बिकॉज पहले क्या था, सोचता था यार अब बनाऊँगा, अब वो नहीं करता, जहाँ मन करता है फटाफट शूट कर लेता हूँ। और जैसे ज़्यादातर मैं शूट करता हूँ बाहर, क्योंकि खुले में शूट करने में काफ़ी मज़ा आता है। जैसे आप भी आज भी आपने देखा कि स्टार्टिंग हमेशा हम बाहर से कर रहे हैं,
क्योंकि उसमें क्या ना व्लॉग देखने में थोड़ा इंटरेस्ट सा आता है, तो इसलिए मैं शूट करता हूँ मोस्टली बाहर से, क्योंकि जैसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन अगर शूट होते हैं व्लॉग में, अलग अलग एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को देखने में, ये तो मैंने देखा है। और पर्सनली मैं भी अगर कोई वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी रहता है कि हाँ कि इस तरह का मतलब देखता हूँ कि मतलब थोड़ा अलग अलग सा दिखे, अलग चीज़ें दिखें, तो वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता ही आता है। सो मेरा भी मेरे साथ भी यही है कि मैं भी शूट ट्राई करता हूँ कैसे शूट करूँ कि सब लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा सा आए, और आप लोगों के सेशन जो होंगे वो तो मैं उस पर ध्यान दूंगा ही दूंगा। तो आप लोग सेशन दीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या कहना है, आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब कैसी वीडियोज़ डलें और कैसे व्लॉग्स में क्या इम्प्रूव करूँ कि आपको व्लॉग देखने में मज़ा आए, क्योंकि जो आप लोग बोलेंगे वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, बिल्कुल इम्प्रूव करना ही करना है। तो बस आप लोग कमेंट कीजिए, एक कमेंट करना है आपको, दो मिनट लगेंगे कमेंट करने में, कुछ आपका जाएगा नहीं। सो बताइए और व्लॉग्स देखिए, और अगर सब कुछ आपको लग रहा है परफेक्ट हो रहा है व्लॉग में तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए, तो लाइक अगर नहीं कर रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ आपको कमी लग रही होगी तो कमी बताइए, और दोनों में से एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी तभी मतलब काम चलेगा। बिकॉज डेली मैं आता हूँ और डेली मैं सेम चीज़ बोलता हूँ आपको कि लाइक करो, वरना बताओ कि क्या कमी रह गई वीडियो में। सो दोनों चीज़ आपके ऊपर ही है, अगर आप इसको चीज़ को करेंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लॉग बन रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं ब्लॉग बनाने का। बिकॉज ब्लॉग होता है व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स आप लोग हैं, तो आप लोग जितना देखेंगे वीडियो को उतना अच्छा चलेगा हमारा, जितना वॉच टाइम अच्छा आएगा उतना वीडियो हमारी आगे बढ़ेगी, जितना आगे बढ़ेगी उतने सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। सो मतलब डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो आपके व्यूज से है, जितना आप लोग देखेंगे इस वीडियो को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो बस आपको यही करना है और सारी सारी वीडियोज़ देखनी है। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है उनको बता दूं कि हम लोग बना रहे हैं 365 डेज़ में 365 व्लॉग्स, यानी कि एक साल में पूरे 365 व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। सारी व्लॉग्स देखने हैं, ये करीबन हमारी 11वीं या 12वीं वीडियो होगी। सो लगातार वीडियोस डेली सुबह 8 बजे आपको नया व्लॉग देखने को मिलता है। सो वीडियो को देखिए, उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, जितना आप वीडियो को प्यार देंगे उतना वीडियो आगे बढ़ेगी, ये तो आपको पता ही है। सो बस इस तरह से सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए मैं कैशू फिल्म्स। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।